सुना है कि कोई जिना आया है, सुना है कि उसने पाकिस्तान बनाया है, सुना है कि कोई वकील हक़ो इंसाफ की जद्दोजहद करते हुए कोई ऐसा अदालती निज़ाम बनाना चाहता है जहां कानून खुदा की किताब होगी, सुना है वहां सबको इंसाफ मिलेगा, और सुना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होने जा रहा है, सुना है कि हिंदू मुसलमान पर हमला नहीं करेगा, सुना है कि एक पाकिस्तान बनने लगा है, सुना है कि जिन्ना ने पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की बुनियाद रखी है, और सुना है कि तमाम मुसलमान एक अल्लाह एक किताब पर यकजा होने लगे हैं, सुना है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग एक मुल्क बनाने लगे हैं जहां सबको अदल व इंसाफ और बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये सब सुनी सुनी बातें मालूम होती हैं, क्योंकि मैं 1947 से जीता जागता पाकिस्तानी हूँ। मेरी इन आँखों ने वतन को बनते देखा है, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को ढूंढते देखा है, देखा है मैंने हिजरत का अजम उठाते हुए, जिन्ना के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए, ट्रेनों में कटते हुए देखा, टुकड़ों में बढ़ते हुए देखा, वफा के परचमों के मानिंद सड़ों को लटके हुए देखा, मेरी इस कौम ने अयाश हुक्मरानों को जंते देखा, मेरी इन गुनहगार आंखों ने बांग्लादेश बनते देखा। 16 दिसंबर का पैगाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 21 मार्च 1948 को बहसीयत गवर्नर जनरल पाकिस्तान ढाका में ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान सिर्फ उर्दू होगी। It's very clear to you, leave no doubt, that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये ऐलान मशरक पाकिस्तान के बंगालियों को पसंद नहीं आया। उनकी इस नापसंदगी की वजह ये थी कि मुस्लिम लीग के क़याम ढाका में अमल में आया था, इसलिए वहाँ के लोग मुस्लिम लीग के मंशूर से वाकिफ थे। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग के इंतखाबी मंशूर में भी इस बात का तज़करा नहीं किया गया। बंगालियों को ये खदशा था कि बानी पाकिस्तान के इस ऐलान से उनकी हक तलफी ना हो जाए, जिसकी वजह से उनके नौजवान तरक्की नहीं कर सकेंगे। बंगालियों ने शदीद रद्द अमल का मुजाहिरा किया, जिसकी बदौलत गवर्नमेंट ने कई नौजवानों और अवामी लीग के सरबराह मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर दिया। एक मुल्क ऐसा जो अलग से अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो हमारा हिस्सा था, और 56% पॉपुलेशन जो थी वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान में थी, और ये नाराज़ी जो है स्टार्ट 47-48 से हो चुकी थी। ख़ास तौर पे जिन्ना ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको फरमाया था कि हमारी कौमी ज़बान सिर्फ एक होगी, वो उर्दू है। मुझे उम्मीद है कि अगर जिन्ना कुछ अर्सा और ज़िंदा रह जाते, उन्हें अल्लाह ताला मोहलत देते, तो वो सिचुएशन को देखते हुए बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज करार दे देते। चूँकि उनके पेश नज़र जो था वो ये था कि एक राबते की ज़बान जो है वो एक हो, तो फेडरेशन जो है उसे मजबूत होती है। उस ज़माने का कॉन्सेप्ट ऐसे ही था। स्टूडेंट्स की तरफ से रद्द अमल सामने आया था, लेकिन जिन्ना उस दुनिया से जा चुके थे। तो आप देखें, कई चीज़ें ऐसी एड्रेस की गई हैं 18th अमेंडमेंट में जो मुजीबुर रहमान उस वक्त मुतालबा कर रहे थे। तो ये अगर हम उस वक्त उनकी मुतालबात कुछ मान जाते, उनके मुतालबात कुछ जेन्युइन भी थे, और तो ये प्रॉब्लम पेश ही ना आती। इंडिया तो शुरू से चाह रहा था, जैसे आपको याद होगा इंडिया इंदिरा गांधी ने ये बड़ा वाजे कहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है उसकी जो लैदगी है उसकी बेशुमार वजूहात हैं। मुक्ति बाहनी का रोल बहुत वाइटल है, उसने एक इन्फिल्ट्रेट किया ईस्ट पाकिस्तान में, फिर जो हिंदू टीचर्स थे उनका एक मखसूस रोल था। हमने कोई ख़ास अपना सिलेबस जो है उसको रिवाइज नहीं किया, उसके अलावा हमने वहाँ उनके जो हमसे शिकायत थीं, वो जब आप वेस्ट पाकिस्तान आते थे, लाहौर आते थे, कराची आते थे, वो ये बात करते थे कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे एसेट्स हैं, वो हमें रिफ्लेक्ट होते नज़र आते हैं वेस्ट पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और हम जो हैं गुरबत के जो है के साये तले रह रहे हैं। वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता रहा, मुल्क के हालात ख़राब होते गए, लिहाजा 1956 में
वज़ीरे आज़म चौधरी मोहम्मद अली और उनके रफ़का की कोशिशों से मुल्क का पहला आईन मंजूर हुआ। इस पार्लियामेंट में मशरक़ और मगरबी पाकिस्तान को बराबर की नुमाइंदगी दी गई थी और बंगाली ज़ुबान को भी तस्लीम किया गया। अगर आइंदा वर्षों में भी मुल्क के हालात अहल सियासत में रहते, मुल्क के निज़ाम को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाता, आइन को उसकी रूह के मुताबिक नाफिज किया जाता, तो आज यकीनन खित्ते की तारीख कुछ और होती और शायद जुग्राफिया भी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के जर्नैलों ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक सियासतदानों को नहीं बल्कि गोली चलाने वाले जर्नैलों को है, लिहाजा उन्होंने इक्तदार पर कब्जा कर लिया, आवाम से अकेला छीन लिया गया। जर्नैलों ब्यूरोक्रेट्स जैसे लोगों ने मार्शल की छत तले मुल्क को चलाना चाहा, जिसकी वजह से मुल्क की बुनियादें खोखली होती चली गई। सियासी खबस के इस माहौल ने बंगालियों के अंदर एहसास मजलूमियों को बढ़ा दिया। मुल्क की मामलात में शमूलियत का ख्वाब धुंधला हो गया। दूसरी जानब हिंदुओं ने अपनी साजिशें तेज कर दी। उन्होंने बंगाल के लोगों को पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से निजात दिलवाने के लिए हर तरह से ताउन पेश किया, जिसकी बदौलत मुक्ति बानी का क़याम अमल में आया और उसकी तरबियत हिंदुस्तान की फौज ने की। अयूब खान के बाद इक्तदार यहया खान के सपोर्ट कर दिया गया। शराब के हवाले से मशहूर सिपा सलार ने ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए कि उसने तारीख के अयाश नवाबों के दौर तरीके फीके कर दिए। 1970 में यहया खान को इंतखाब करवाने पर मजबूर होना पड़ा। नतीजे वाज़ेह थे लेकिन असेंबली का इजलास नहीं हो सका। मामलात को सियासी तरीके से हल करने के बजाय फौजी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीज में मामलात और ज़्यादा उलझ गए। दूरियां मज़ीद बढ़ गईं बल्कि दुश्मनी में बदल गईं। इत्माद का रिश्ता भी ख़त्म हो चुका था। मुजीबुर रहमान ने भी अपना जहन बना रखा था। दूसरी जानब यहया खान और उनके रफ़का की भी नीयत साफ न थी। ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी मशहूर तसनीफ मैंने ढाका डूबते देखा में लिखा है कि ऐसी सूरत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, क्या वो बाइज्जत तरीके से इक्तदार से अलग होकर मुल्क की किस्मत अवामी लीग को सौंप देंगे। इसका जवाब हमें ढाका में नज़र नहीं आता था, लेकिन जनरल यहया के एक जर्नैल ने कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ किया कि आप फिक्र मत करें, हम इन कामों को अपने ऊपर मुसल्लित नहीं होने देंगे। मुजीबुर रहमान ने अपने तकरीरों में भी बात की कि जब मैं लाहौर जाता हूँ और जब मैं लाहौर की नहर पे फिरता हूँ तो मुझे खुशबू आती है अपने वसाइल की, जो हमारे यहाँ से इस्तेमाल किए जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान से, और ईस्ट पाकिस्तान में उनको नहीं यूज़ किया जाता, वो वेस्ट पाकिस्तानी उसे इंजॉय करते हैं। तो ये इस किस्म का एक उनके अपनी लीडरशिप ने भी ऐसे उनको कह लें आप वहाँ की पॉपुलेशन में इतनी नफ़रत पैदा कर दी। और कुछ हमारे लीडर्स ने, जैसे आपने सदीक सालिक साहब की किताब है मैंने ढाका डूबते देखा, उसमें बड़ा कैटेगोरिक उन्होंने कई बातें बताई हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स का रवैया भी ऐसा अच्छा नहीं था, हमने भी जैसे कॉलोनियल मास्टर्स की तरह उनके साथ सलूक रखा हुआ था, जैसे सेकंड क्लास सिटीजन हैं वो। तो वो चीज़ ज़रा रेडिएट तो करती है, फिर वो रिज़ल्ट सामने आया। और ये बात मैं बता देता हूँ कि जो हमने अपनी रिसर्च की है, इतनी जो जितना बताया गया फैक्ट्स और डेटा दिया गया है वो इंडियन प्रोपेगेशन है सारी की सारी। ठीक है, हालात ख़राब हुए, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और इंटरनेशनल गेम की वजह से हालात ज़्यादा बिगड़े गए, और चाइना ने उस वक्त हमारा साथ उसको चाइना ने भी नहीं दिया। उसमें मैं बता रहा हूँ 65 में और 71 में, और मीडिया का रोल भी उस वक्त बहुत ज़्यादा वो इतना अच्छा नहीं था। प्रवीण शाकिर का हार्वर्ड में एक थीसिस था PhD का, वो भी रोल ऑफ मीडिया था ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन में क्या था, वो भी बताती हैं कि एक नेगेटिव रोल था और अपना प्रॉपर जो है रोल प्ले नहीं कर सका। अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ाद होने वाला मुल्क सिर्फ 25 साल बाद ही गिर पड़ा। ऐसे में किसको इस साने का जिम्मेदार समझा जाए? बाज़ लोग इस साने के जिम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समझते हैं, बाज़ के ख्याल में ये हिंदुस्तान की मुदाखलत का नतीजा है, जबकि हमारे इस साने का सबब सिर्फ फौजी ज़हनियत थी। 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि वो मुल्क जो बराबरी और मसावात पर मबनी था, वो अपनी आज़ादी के कुछ ही अरसे बाद कमज़ोर हो गया। 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि मुल्क चलाना फौज का नहीं बल्कि अहल सियासत का काम है। अपने फरीजे भूल कर इक्तदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाएं तो सरहदें कमज़ोर हो जाती हैं और कभी कभी गिर भी जाती हैं।